हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका नाम है टेक्निकल वर्ल्ड ब्लॉग्स। वेल दोस्तों, क्या आपने इस परेशानी को फेस करा है कि आपसे कोई चैटिंग करना है और आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती और वो आपको इंग्लिश में ही कुछ रिप्लाई करता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है? तो मैं उसी का सलूशन लेकर आया हूँ। आपने देखा ही होगा कि आजकल लोग बहुत ही जल्दी हिंदी में टाइप करके आपको जवाब भेज देते हैं, आप टाइप भी नहीं कर पाते हो इतनी जल्दी। तो वह दोस्तों, उसी का सीक्रेट आज मैं खोलने वाला हूँ कि वो लोग ये किस तरह से करते हैं और ये आप लोग भी कर सकते हो। वेल दोस्तों, इन वीडियो को देखते रहिए। आगे मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड ब्लॉग्स। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी तरह से किसी भी एप्लीकेशन पर किस तरह से हिंदी में या इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर मिलते हैं, ये हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर। अब आपको सर्च में लिखना है जी बोर्ड। ये देखिए, यहाँ पर हम जी बोर्ड पर टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, आपको बस ये जी बोर्ड इंस्टॉल करना है। चलिए मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। दोस्तों, उसको अपडेट होने में टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। ये दोस्तों, मैंने ऐसी एक और वीडियो देखी थी जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए बता रहे थे, लेकिन उसमें एक एप्लीकेशन फालतू डाउनलोड करने के लिए बोला गया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है थोड़ा शॉर्टकट में, लेकिन फिर भी ये काम करेगी। चलिए दोस्तों, हम आते हैं होम स्क्रीन पर। ये हम हैं मेरे होम स्क्रीन पर। अब हमें अपने सिस्टम की सेटिंग्स खोलनी होंगी। मैंने सेटिंग पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर आपको इनपुट एंड लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। मेरा इनपुट एंड लैंग्वेज यहाँ पर आ रहा है, मैं इस पर टच करता हूँ और यहाँ पर आपको करंट कीबोर्ड नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आपके सिस्टम में हो सकता है सेटिंग्स थोड़ी सी अलग हो, लेकिन आप करंट कीबोर्ड पर सर्च करना, करंट कीबोर्ड कहाँ पर आ रहा है फिर उस पर टच करना और यहाँ पर आपको जी बोर्ड नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, बस आपको वहाँ पर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है ये, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। चलिए अब बैक जाते हैं। अब चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पर दिखाता हूँ किस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप खोला, यहाँ पर क्लिक किया मैंने लेट्स गो पर। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, अब बस आपको बस पर टच करना है और यहाँ पर एक ट्रांसलेटर का ऑप्शन आएगा। ये देखिए इस जगह पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी मैं टाइप करता हूँ, हाउ आर यू, ये देखिए दोस्तों हुआ ना मैजिक। आपको बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और वो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में लिख देगा। आपसे आप इसे स्पीड टाइपिंग भी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है और इस जगह पर हिंदी का। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके, इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, आ और आज। ये देखिए दोस्तों, इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ आ गया है। वेल दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।